भारत में योग के बारे में 10 बड़ी भ्रांतियां। लोगों को नहीं मालूम इसकी सच्चाई। योग एक ऐसी कला है जिसके जरिए शरीर और मन दोनों ही चुस्त दुरुस्त रहते हैं। योग करने से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। आप किसी भी उम्र में योग करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। दरअसल योग को लेकर भी लोगों में कई भ्रांतियां पाल रखी हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ भ्रांतियां जो सही नहीं है। नंबर एक पर आता है, योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा कि योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। योग करने के लिए इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। धीरे धीरे शरीर खुद लचीला हो जाता है। यह पूरी तरह अभ्यास पर निर्भर करता है। दूसरे नंबर पर आता है, पुरुष योग नहीं करते। लोग मानते हैं कि पुरुषों को योग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही मायने में योग पुरुषों द्वारा ही शुरू किया गया था और आज भी योग करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है, योग करना काफी महंगा है। लोगों को लगता है कि योग कराने के लिए योगा सेंटर्स की फीस काफी ज्यादा होती है, जबकि आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन योगा फ्री भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है, योग को धर्म से जोड़ा जाता है। आज के समाज में योग एक विशेष समुदाय और धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग आपके शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम मात्र है। पांचवें नंबर पर आता है, योग एक्सरसाइज नहीं है। लोग मानते हैं कि जितनी कैलोरीज आप ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करके बर्न कर लोगे, उतनी योग से नहीं कर पाओगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि योग भी एक तरह का एक्सरसाइज है जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। यही नहीं, कई लोगों को लगता है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान योग नहीं कर सकती हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। प्रशिक्षक की देखरेख में प्रेग्नेंट महिलाएं योग कर सकती हैं। छठे नंबर पर आता है, योग सिर्फ युवाओं के लिए है। योग सिर्फ बच्चों और युवाओं के लिए है, अक्सर ये बात बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन योग हर उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है, चाहे 20 साल के युवा हों या 70 साल के बुजुर्ग। लोग सभी के शरीर के लिए फायदेमंद है। सातवें नंबर पर आता है, योग करने में समय जाया होता है। लोग अक्सर योग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि योग करने में काफी समय लगेगा, लेकिन अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट भी योग करते हैं तो आपके शरीर को बहुत लाभ मिलता है। आठवें नंबर पर आता है कि योग सिर्फ पतले और फिट लोगों को करना चाहिए। ये बात सरासर गलत है। ऐसा नहीं कि जो लोग शरीर से पतले और फिट हों वही योग कर सकते हैं। आपका शरीर कैसा भी हो, आप योग का लाभ जरूर ले सकते हैं। योग करके आप अपने शरीर को फैट से फिट बना सकते हैं। नौवे नंबर पर आता है, योग में विविधताएं कम है। लोगों को लगता है कि योग में केवल एक दो ही आसन है, लेकिन ये बात गलत है। अगर आप किसी योगा क्लास में जाकर सीखें तो आपको हर रोज बहुत से नए नए आसन देखने को और करने को मिलेंगे। दसवें नंबर पर आता है, किसी तरह की चोट से पीड़ित व्यक्ति योग नहीं कर सकते। योग को लेकर एक ये बात भी काफी प्रचलित है कि चोट या फिर किसी तरह के दर्द से पीड़ित व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। हाँ, आप ऐसे में हर तरह के आसन नहीं कर सकते हैं, लेकिन योग को शिक्षक करके कुछ आसन जरूर कर सकते हैं। योग के आसन आपको दर्द को कम करने में भी काम करेंगे। दोस्तों, सही मायने में योग एक तरह की पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति है। भले ही आप किसी भी रोग से ग्रस्त हों, यदि आप सही मायने में योग का अनुसरण करते हैं, दिन प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप पूर्ण रूप से एक जागरूक और सशक्त व्यक्ति उभर कर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।